So hello everyone, welcome to the channel Knowledge Bell. Continuing with our ongoing Sainik School Entrance Exam Preparation Series, आज के session में ही हम GK के कुछ questions करने वाले हैं. In the last session we discussed about different types of scientific devices used in daily life और उसी से associated आज हम questions करने वाले हैं. So last lecture was actually session was lecture kind of जहाँ हमने कुछ पढ़ा था, but in today's session हम practice करेंगे questions की. So let's get started. But before starting, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, the Knowledge Bell is going to launch 1 month crash course for the Sainik School Entrance Exam 2022 class 6. 9 January को जो आपका paper है, उसके लिए ये 1 month का crash course है, जिसमें है daily live interactive classes. कोई भी अगर आपको doubt हो, so you can clear that in the class only using your microphone. डेली प्रैक्टिस पेपर, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है एंड दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डिसम्बर 1st. रजिस्ट्रेशन आर ओपन. आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना स्पॉट इंश्योर कर सकते हैं. एंड द कोर्स इज जस्ट एट ₹999. सो hurry up, you can contact us on the number provided, 8305-103918. Okay, so let's get started with the today's session. ओके एवरीवन, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद द टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ. जो साइंटिफिक डिवाइसेस, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर जो उस वीडियो का जो लास्ट पार्ट था, यू कैन से पार्ट वन, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के साइंटिफिक डिवाइसेस स्टडी किए थे. उस साइंटिफिक डिवाइसेस का यूज़ क्या है हमने वो भी स्टडी किया था. एंड कहीं कहीं पे हमने ये भी स्टडी किया था कि किस अनदर डिवाइस में वो यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीडोमीटर हमने स्टडी किया था. द साइंटिफिक डिवाइस स्पीडोमीटर का यूज था टू मेजर द स्पीड. एंड वो कहाँ पे यूज हो रहा था, दे वर जनरली यूज्ड इन द व्हीकल्स. सो इस वे में हमने अ लॉट ऑफ ऑलमोस्ट 24 to 25 साइंटिफिक डिवाइसेस कवर किए थे. सो फॉर एनी ऑफ दोस्त जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिकमेंड कि आप पहले वो सेशन देखिए, आफ्टर दैट दिस वीडियो विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. सो लिंक यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ए हाइड्रोफोन, बी रेन गेज, सी बैरोमीटर और डी माइक्रोस्कोप. सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा साइंटिफिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एवरीवन, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन आल्सो, रेन गेज. रेन गेज एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज कर रहे हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. कितना रेनफॉल हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हो रहा है, क्वांटिटी एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. हम देख के कह सकते हैं दैट द रेनफॉल इज वेरी हैवी और द रेनफॉल वॉज शेलो, बट टू गेट द अमाउंट इन अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड एज रेन गेज. सो रेन गेज इज द करेक्ट आंसर. लेट्स लुक एट इट. माइक्रोस्कोप क्यों नहीं होगा, बिकॉज माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं टू मैग्निफाई एंड ऑब्जर्व द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैरोमीटर हम कहाँ यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर. एंड हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा साइंटिफिक डिवाइस है दैट वी यूज इन ऑर्डर टू गेट द साउंड अंडर वाटर. अंडर वाटर जो साउंड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड एज हाइड्रोफोन. सो ओनली ऑप्शन बी रेन गेज इज द करेक्ट आंसर. द साइंटिफिक डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रेन गेज. ओके, तो याद रखना है इसको. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हार्ट रेट. हार्ट रेट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करेंगे, और यहाँ पे इसको सिंपली हम ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि हार्ट साउंड को मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे. सो जनरली डॉक्टर्स यूज दिस डिवाइस. ऑप्शन देखते हैं, ए स्टेथोस्कोप, बी कार्डियोग्राम, सी टेलीस्कोप और डी पेरिस्कोप. सो याद रखना है यहाँ पे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप इज द डिवाइस जो हम यूज करते हैं और डॉक्टर्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द अमाउंट ऑफ हार्ट रेट या फिर इन ऑर्डर टू हियर द हार्ट साउंड. साउंड से मैंने आपको बताया था कि यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम साउंड. साउंड भी ऐसे स्टार्ट होता है, स्टेथोस्कोप भी ऐसे स्टार्ट होता है. सो हार्ट साउंड को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप, हार्ट रेट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप एंड हार्ट मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड
Cardiogram. That's why option A, stethoscope, is the correct answer. After this, the next question is, a device used to detect the purity of milk is, here read it as off by mistake, yeah, if type ho gaya hai. So, aap off read karenge. A device used to detect the purity of milk is, A, lactometer, B, galvanometer, C, endoscope, or D, dynamo. So, question keh raha hai, kaun sa device hai jo hum use kar rahe hai in order to detect the purity of milk. Milk ki shuddhata, doodh ki shuddhata, ya milk ki purity ko detect karne ke liye hum kaun sa device use kar rahe hai. So, once again here, lactometer is the correct answer. Lactometer ek aisa device hai that we are using in order to detect the purity of milk. Ki hum jo milk purchase kar rahe hai, that milk is pure or not. If pure hai, to kitne percentage mein pure hai, kitni usme milavat hai. Ye sab kuch jitna bhi detect karna hota hai, ye device generally use hota hai lactometer. Okay, so option A, lactometer is the correct answer. Then moving towards the next question, that is the question number 4th. A device used to measure altitudes in aircraft is altitude meter, altimeter, altinometer, or all of these. So question keh raha hai ki ek kaun sa device hai, kaun sa scientific device hai basically, jo hum use kar rahe hain kis liye, in order to measure the altitudes. Altitudes kahan pe? In the aircraft. So do cheeze aapko question mein given hai. Very first of all, ki jo device hai that is used to measure the altitudes. Second of all, ye device kahan use ho raha hai, it is used in the aircrafts. तो इससे हमको हिंट लेना है. दोनों ही चीजें हमने पढ़ी थी एंड अब हम देखेंगे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्टीमीटर. नाउ व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑल द फोर ऑप्शंस आर मोर और लेस सिमिलर. हमको एल्टी तो याद रह जाता है फ्रॉम एल्टीट्यूड, बट अगर फोर ऑप्शंस, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर सिमिलर लाइक एल्टीट्यूड मीटर, एल्टीमीटर, एल्टीनोमीटर, तीनों ही क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं, तीनों के नेम्स भी सेम है, सो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. That's why इसको अच्छे से याद रखना है altimeter, okay? Altitude से हमने सिर्फ LT ही लिया है, उसके बाद meter, altimeter. Altimeter is the device जो कि हम use कर रहे हैं in order to measure the high altitude, और कहाँ पे use कर रहे हैं, it is used in aircraft, so altimeter. Altitude meter कोई device नहीं होता, similarly altinometer भी कोई device नहीं है. Option B, altimeter is the correct answer. Then there we go in the next question, question number 5. Submarines underwater are able to observe the objects at sea surface with the help of A, periscope, B, telescope, C, microscope, or D, endoscope. So question क्या कह रहा है कि जो underwater submarines है ना, कल भी हमने last session में example देखा था कि cartoons में हम देखते हैं, अगर आपने Discovery या National Geographic देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि submarines होते हैं, ये underwater work करते हैं, like ship हमारे surf water के surface पे move करने वाले व्हीकल्स हम कह सकते हैं, इस वाटर के सरफेस पे मूव करते हैं. सिमिलर टू दैट, सबमरीन्स वर्क अंडर द वाटर. सो सबमरीन्स अगर अंडर वाटर वर्क कर रहे हैं तो सी सरफेस पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई अनदर शिप तो नहीं आ रही है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए सबमरीन्स कौन सा डिवाइस यूज करना है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, पेरिस्कोप. सबमरीन्स अंडर वाटर आर एबल टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स एट द सी सरफेस विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप. That means जो underwater submarines हैं वो surface पे क्या हो रहा है sea level के, उसको कैसे observe कर पाते हैं, they are able to observe it with the help of periscope. So ये जो device होगा, ये device कहलाएगा हमारा periscope, okay? So with the help of periscope, submarines are able to observe the sea surface. Then the next question, question number 6. Which of the following is used to measure the temperature of human body? Very simple question. Kaun sa scientific instrument or device hum use kar rahe hain in order to measure the temperature? Let's have a look at the options. A, cryometer, B, thermometer, C, temperature measure, or D, all of these. So, yahan pe hume dekhna hai ki kaun sa device hum use kar rahe hain to measure the temperature of human body, okay? Ye puri ki puri line important hai. Temperature sunke excite nahi hona hai. Temperature of human body bhi given hai aage. तो इसको भी ध्यान रखना है. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन बी, थर्मामीटर. थर्मामीटर इज अ डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब हम देखते हैं क्रायोमीटर भी हमने देखा था. क्रायोमीटर का क्या यूज था? इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, बट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए हम क्रायोमीटर को यूज नहीं कर रहे हैं. क्रायोमीटर वॉज यूज टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर, जो नेगेटिव में टेम्परेचर होते हैं लाइक -1, -2 पोलर एरियाज अटलांटिक्स में हम क्रायोमीटर डिवाइस यूज करते हैं, बट दैट टू
ह्यूमन बॉडी का या किसी अनदर एनिमल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। सो किसी भी एनिमल का और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे दैट डिवाइस विल बी कॉल्ड एज थर्मोमीटर। सो ऑप्शन बी थर्मोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल। द फॉलोइंग फोर ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा डिवाइस हम यूज कर रहे हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज लास्ट ईयर जो आपका पेपर था दैट वॉज द ईयर 2021, उसमें जो सैनिक स्कूल या AISSEE क्लास 6 2021 के पेपर में जीके के सेक्शन में दिस क्वेश्चन वाज देयर, वेरी सेम क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी गायरोमीटर और ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो याद रखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। स्पीड स्पीड से भी आप याद रख सकते हो, स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। सो स्पीडोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओडोमीटर, गायरोमीटर एंड मैनोमीटर नहीं होगा, स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन इज साइंटिफिकली नोन एज। ओके, सो ये क्वेश्चन भी देखिए एसोसिएटेड है, कल हमने डिस्कस किया था, जो हमारी ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है सबके घरों में होती है कॉमनली, या फिर नहीं भी होती है तो आई अज्यूम आप लोगों ने देखा होगा किसी क्लिनिक में, डॉक्टर्स के पास, या डिजिटल जो ब्लड प्रेशरिंग मेजरिंग मशीन्स होती हैं दे आर अ कॉमन थिंग नाउडेज। सो सबने आई अज्यूम देखा है, अगर नहीं देखा है सो इन द लास्ट वीडियो हमने एक्सप्लेन किया है, सो वहाँ पे पिक्चर भी है और आप गूगल पे सिंपली टाइप करना ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन तो आपको बहुत से इमेजेस दिखेंगे। तो ये जो नेम है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, या तो हम कॉमनली कहते हैं बीपी की मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन, साइंटिफिकली इस डिवाइस को क्या कहते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिकली हम इसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फाइग्मोमैनोमीटर। ओके, ऑप्शन बी स्फाइग्मोमैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। द कॉमन ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन इज साइंटिफिकली नोन एज स्फाइग्मोमैनोमीटर। ओके, देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक द डिवाइस यूज्ड इज ए हाइग्रोमीटर, बी एल्टीमीटर, सी सिस्मोग्राफ और डी स्फेरोमीटर। सो जो अर्थक्वेक आता है हमारा, ओके, एनी टाइम, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अर्थक्वेक के आने के बाद जनरली इन द न्यूज़ पेपर्स और इन द न्यूज़ चैनल नाउडेज न्यूज़ आती है दैट इतने हेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, 6.5 हेक्टर्स। ओके, ऐसे रेक्टर स्केल पे देव बताते हैं कि कितने रेक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी थी। सो इस इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इन ऑर्डर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। सो याद रखिए, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस टेल्स अस कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, कि अर्थक्वेक का जो शॉक था उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके बाद कोई दूसरा शॉक आ सकता है क्या, आर देर एनी चांसेस ऑफ आफ्टर शॉक्स, और द शॉक ऑफ अर्थक्वेक वॉज अ बिफोर शॉक। ये सब हमको जो कुछ है इट इज मेजर्ड बाय एंड आइडेंटिफाइड बाय दिस वेरी साइंटिफिक डिवाइस कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ। सो द करेक्ट आंसर विल बी, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक द डिवाइस यूज्ड इज सिस्मोग्राफ। ओके, आफ्टर दिस, इन ऑर्डर टू मैग्निफाई एंड ऑब्जर्व द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स वी कैन यूज द फॉलोइंग डिवाइस। आएगा यहाँ पे एवरी वन, यूज इज नॉट मिस, इट्स वंस अगेन अ टाइपिंग मिस्टेक, आप उसको रीड करोगे, सो यहाँ पे यूज को भी यूज करना, वी कैन यूज द फॉलोइंग डिवाइस, इन ऑर्डर टू मैग्निफाई एंड ऑब्जर्व द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द सेल्स वी कैन यूज द फॉलोइंग डिवाइस। डिवाइस क्या गिवन है, ए माइक्रोस्कोप, बी इलेक्ट्रोस्कोप, सी फैटोमीटर और डी लैक्टोमीटर। सो किस डिवाइस को हम यूज करेंगे टू मैग्निफाई द वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे बॉडी के सेल्स, तो क्या डिवाइस होगा वो, दैट विल बी ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज द डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं टू मैग्निफाई एंड ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स। आपको अपने स्कूल्स के बायोलॉजी लैब्स में देखने मिलेगा, अगर आप पैथोलॉजीज विजिट कर रहे हैं सो पैथोलॉजी में भी जो हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, या और भी कोई भी ब्लड ग्रुप से एसोसिएटेड ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ पे भी माइक्रोस्कोप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो माइक्रोस्कोप आपको इन दो जगहों में वेरी कॉमनली देखने मिलेगा, योर बायोलॉजी लैब एंड पैथोलॉजी लैब्स। ओके, सो कौन सा डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। आफ्टर दिस द क्वेश्चन नंबर 11 इज,
The distance traveled by any vehicle can be measured with the help of A. seismograph, B. manometer, C. odometer और D. none of these. ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने व्हीकल से एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चन किया दैट वॉज रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल. यहाँ पे ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल. तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हमको स्पीड भी विजिबल होता है एक व्हीकल में कि कितने स्पीड से हम ड्राइव कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज हमको ये भी विजिबल होता है कि कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब हमने व्हीकल परचेज किया था और इसके बाद अभी तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो ये डिस्टेंस किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता लगता है, इट इज बाय दिस डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर. ओके, ओडोमीटर को हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल. So the distance traveled by any vehicle can be measured with the help of a device called as odometer. Speedometer का क्या use है? It is used to measure the speed of a vehicle. Okay. Similarly, seismograph यहाँ given है. Seismograph से भी आप clear कि ये earthquake से associated measurements के लिए use होता है. Manometer जो device है, manometer को हम use करते हैं किसी भी individual gas का pressure measure करने के लिए. Okay. So इस question के लिए correct answer is odometer. Then the question number 12, cardiogram is used to study the heart sounds, study the heart movements, study the structure of heart or all of these. Okay, so ye question once again thoda difficult ho sakta hai because the students always gets confused between cardiogram and stethoscope kyunki dono ka hi heart se associated function hai. To ab yahan hum apni trick apply karenge. Stethoscope mein humne dekha ki stethoscope starts with S. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हार्ट साउंड भी साउंड एस से स्टार्ट हो रहा है. तो स्टेथोस्कोप का यूज है टू स्टडी द हार्ट साउंड्स और टू मेजर द हार्ट रेट. ओके, देन टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. कार्डियोग्राम के थ्रू हम हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते हैं. द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टू स्टडी द हार्ट मूवमेंट्स. सो कार्डियोग्राम का क्या यूज है? कार्डियोग्राम इज यूज बाय द डॉक्टर्स इन ऑर्डर टू स्टडी द हार्ट मूवमेंट्स. हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते. इट इज यूज बाय डॉक्टर्स ओनली टू स्टडी द हार्ट मूवमेंट्स. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर दिस 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेयर का जो प्रेशर होता है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं. सो हम क्या डिवाइस यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर दैट प्रेशर. ऑप्शंस गिवन है ओडोमीटर, बैरोमीटर, गैसोमीटर और मैनोमीटर. तो ये भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बैरोमीटर इज द डिवाइस जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द प्रेशर ऑफ एटमोसफियर या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो बैरोमीटर विल बी यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर. द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13 इज ऑप्शन बी. After this, in a clear night sky, the device you will use to observe the stars is. So, अगर एक clear night sky है और आपको star watching करनी है, अगर आपको stars को observe करना है, तो किस device के through आप ये कर सकते हैं? Options are periscope, telescope, telephone or telemeter. So, याद रखिएगा option B, telescope is the correct answer. टेलीस्कोप डिवाइस है जो हम यूज करेंगे क्लियर नाइट स्काई में स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए. सो बेसिकली टेलीस्कोप का फंक्शन क्या होता है? टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस. स्पेस में या स्काई में जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? वंस अगेन स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स. ओके, उनको यूज करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए सॉरी हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं. एंड जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं. ओके, यहाँ से हमको लगता है दैट हाउ कैन वी ऑब्जर्व a star using a telescope, but in actually जो lens telescope में use होते हैं they are very powerful. So telescope का अगर हमने picture भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, और recently Google का एक ad भी आ रहा है that is also associated with a telescope. Okay, एक बहुत small little girl होती है and उसको moon में बहुत interest होता है. So उसके birthday पे उनको telescope gift मिलता है, ऐसा ही कुछ Google का वो ad है. I'm not miraculing it correctly, but ऐसे ही कुछ वो ad है. तो उसमें भी end में जो gift देते हैं वो that gift is telescope. Okay, so Google का भी ये ad याद रखेगा associated with telescope. In a clear night sky, the device you will use to observe the star is telescope. And after this, the last but not the least question of today's session, pathometer can be used to measure the distance traveled by a vehicle, to measure the depth of sea, to study the internal organs of the body or all of these. So, pathometer जो scientific device है, उसका use पूछा है. And हम क्या use है इसका? It is used to measure the depth of sea. किसी भी sea में जो water level है, वो कितना गहरा है, उसको measure करने के लिए हम pathometer का use करते हैं.
अनदर ऑप्शंस देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल के लिए हम ओडोमीटर यूज कर रहे थे, तो स्टडी द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हम एंडोस्कोप यूज करते हैं. पैथोमीटर का क्या यूज है? दैट इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी. ओके, सो दैट मेक्स ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. विद दिस एवरीवन वी सम अप आवर टुडेस सेशन. आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा. फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा था, उस सेशन में एक्चुअली हमने साइंटिफिक डिवाइसेस डिस्कस किए हैं जिनके बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ प्रेशर कि अगर आपने नहीं देखा है और आप वो सेशन एक बार देख लोगे, सो ये जो सेशन हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे एंड सिंपल हो जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू गो थ्रू दैट सेशन. लिंक आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में. And अगर कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो आपको यूजफुल लगा हो सो काइंडली लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड इसके साथ ही जो नेक्स्ट सेशन है हमारी इस जी के सीरीज का, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द माइक्रोबियल डिजीज. आपके जीके में एक पोर्शन है एवरी ईयर, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम द माइक्रोबियल डिजीज. तो माइक्रोबियल डिजीजेस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. एंड देन आफ्टर दैट इट्स नेक्स्ट सेशन हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फॉर द माइक्रोबियल डिजीज. सो एवरीवन स्टे कनेक्टेड विद द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.